कमेटी लाल किला मैदान, इस वर्ष 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक रामलीला होगी और 24 अक्टूबर तक दशहरा पर्व होगा। और दशहरा पर्व के साथ साथ आप देख रहे हैं कि आज हमारे बीच के अंदर हमारे अनुरोध पर फिल्मी दुनिया के जाने माने कलाकार आज हमारे बीच के अंदर हैं। और यादव पुरुषोत्तम राम के रूप में गगन मलिक जी, और गगन मलिक जी जी टीवी डीजल की रामायण के अंदर भी राम का किरदार निभा चुके हैं। लक्ष्मण के रूप में शशांक अरोड़ा जी और हनुमान जी के रूप के अंदर निर्भय भद्वज, और माता सीता के रूप के अंदर आप देख रहे हैं कविता जोशी जी, आप हरियाणवी फिल्मों की सुपरस्टार हैं और 250 से ज्यादा फिल्मों के अंदर काम करने वाले बाहुबली रावण हमारे बीच के अंदर हैं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे निमंत्रण पर आप सब लोग दिल्ली आए, और दिल्ली के अंदर आप जो है अपना अपना किरदार निभाएंगे। केश ऋषि जी जो रावण का कर रहे हैं वो तो विद्वान पंडित, उन्होंने तो तीनों लोगों को जीता है और भगवान की सबसे ज्यादा शिव की है, प्रार्थना की है, लेकिन मात्र एक गलती के कारण उनको सब कुछ अपना छोड़ना पड़ा। आज हमारा प्रयास ये है कि आज हम बुराई को समाप्त करके अच्छाई की तरफ चले, और यही मैसेज हम देना चाहते हैं दिल्ली की और देश की जनता को, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां उन बच्चों के अच्छे संस्कार मिल सके, और संस्कार उनको तभी मिलेंगे क्योंकि रामायण एक ऐसी कला है जिसके अंदर पूरा परिवार को जोड़ने की कला है। उसके अंदर आपको त्याग भी देखने को मिलेगा, इसके अंदर प्रभु राम का प्रेम, चाहे वो पक्षी हो, जानवर हो, चाहे वो वानर हो, चाहे वो अहिल्या अवतार हो, चाहे केवट से मित्रता हो, ये सब चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। तो आज इस लड़ाई को समाप्त करने के लिए जो हर वर्ष कृतात्मक ये जो रामलीलाएं होती है, इसका मकसद ये है कि हमारी नौजवान पीढ़ी, हमारे बच्चे के अंदर ये संदेश जा सके कि उनके अंदर अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छा परिवार बनेगा, अच्छा परिवार होगा तो अच्छी सोसाइटी होगी, सोसाइटी अच्छी होगी तो समाज के अंदर, देश के अंदर एक अच्छा वातावरण बनेगा, और एक अच्छा वातावरण बनेगा वो निश्चित रूप से सभी लोगों के चेहरों के ऊपर खुशी होगी और राम राज्य की ओर बढ़ेगी। मैं सुबह से कह रहा हूँ, तू सुबह से सुन रहा है? नहीं सर, मैं सुबह से सुन रहा हूँ। अच्छा है, ये जैसे कहा उन्होंने, कहा बहुत सही कहा कि यही संस्कार जो है हम आगे देना चाहते हैं, हम एक उसका रास्ता बन रहे हैं, और खुशी की बात है मेरे लिए भी। रावण का रोल जो है एक जिम्मेदारी की बात है, एक जिम्मेदारी निभाने वाली बात है कि हमारे जरिए कोई ऐसी बात कह जाए जो आज के बच्चों को समझ में आ जाए और उसको वो फॉलो करें। तो यही कोशिश है हमारी, यही सार है रामायण का कि जो हुआ है ये उस वक्त हुआ है जब दुनिया बनी थी, और ये उस वक्त लिखा गया था जब हुआ था। ये कहानी कुछ सोची हुई नहीं है, ये कहानी घटी हुई है, तो इसलिए इसको सच मान के चलना चाहिए और इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से बच्चे भी आएंगे और लगन से इसे देखेंगे, और हम भी कोशिश करेंगे कि अपने अभिनय के जरिए आपको कुछ इस तरह कह दें कि आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही को लेके साथ चलना।